समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर रखा है। उस दिन से तमाम प्रकार से मुझे परेशान किया जा रहा है। कभी मुझसे कहा जाता है कि आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दीजिए, कभी मुझसे कहा जाता है कि आप क्षेत्र में मत जाइए, कभी मुझसे कहा जाता है कि आप जातिवाद जनगणना की बात मत करिए, कभी मुझसे कहा जाता है सीबीआई की जांच को मत मांगिए। उसके साथ साथ कल एक बहुत घिनौना काम हुआ, बिना सूचना के मेरे सारे अकाउंट सील कर दिए गए, मुझे बताया भी नहीं गया। मेरे एक ट्रस्ट में बहुत बुजुर्ग जो कि 2016 में अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं, उनको उठाकर अरेस्ट कर लिया गया, उनको नजरबंद रखा गया। और मैं कहीं भी जाती हूं, अनेक प्रकार के नंबरों से मेरा स्थान पूछा जाता है, मुझसे कहा जाता है मैं एलआई हूं, कहा हूं मैं पत्रकार हूं, मेरी जानकारी ली जाती है। इन सब बातों से लगता है जिस प्रकार से मेरे पति की हत्या कर दी गई है और मैं सीबीआई की जांच ना करूं, कल मेरी भी हत्या हो सकती है और मेरी भी सीबीआई जांच को रोका जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं सातादाई सरकार से कि मिल किए गए हैं, मुझे उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई, मुझे उसके विषय में क्यों नहीं जानकारी दी गई, ये किसके कहने पे किसके इशारे पे ये काम किया जा रहा है, उसकी जानकारी मुझे दी जाए।